नमस्कार, समसामयिकी विशेष में म्यांमार में तख्तापलट विषय के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने तख्तापलट कर दिया गया है। म्यांमार की लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसलर आन सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। म्यांमार में सेना का बड़ा मूवमेंट काफी समय से देखा जा रहा था और इसके बारे में समाचारों पत्रों में भी और इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी कुछ आ रहा था और जैसा अंदेशा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आइए देखते हैं कि म्यांमार में आखिर हुआ क्या है। म्यांमार की राजधानी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और राजधानी के अलावा कई अन्य शहरों में भी इंटरनेट बंद हो गया है। इसके साथ ही वहां पर फोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। वहां के सरकारी चैनल MRTV का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया है और इसके लिए तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया है। म्यांमार की पुरानी राजधानी यांगून में भी इंटरनेट और फोन सेवा बंद कर दी गई है। आन सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सू की और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की खबर सभी लोगों को दी। सत्ता परिवर्तन आखिर हुआ क्यों? सत्ता परिवर्तन के पीछे वहां के आम चुनाव हैं, जो कि पिछले साल नवंबर में हुए थे। इस चुनाव में आन सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थी। उनकी पार्टी ने लोअर हाउस में 330 में से 258 और अपर हाउस में 168 में से 138 सीटें जीती थी। म्यांमार की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें जीती थी और इस पार्टी को सेना का समर्थन भी हासिल था। इस पार्टी के जो नेता हैं थान हिते, वो सेना के अंदर ब्रिगेडियर रह चुके हैं। इस रिजल्ट के नतीजे आने के बाद इन चुनावों पर धांधली के आरोप भी लगे और विपक्षी पार्टी ने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की और चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई और आन सान सू की पे धांधली के आरोप भी लगे। चुनाव नतीजों के बाद से ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई इस सरकार और विपक्षी पार्टी और सेना के बीच मतभेद आरंभ हो गए थे। अब म्यांमार की सत्ता पूरी तरीके से सेना के हाथ में है और एक साल के लिए म्यांमार में इमरजेंसी लगा दी गई है। चूंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पे ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर म्यांमार में हुए सत्ता परिवर्तन से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो म्यांमार के घटनाक्रम का भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे संबंध किसी शासक के साथ नहीं है, किसी देश के साथ है। और भारत वैसे भी अपने पड़ोसी देशों को बहुत महत्व देता है। म्यांमार के साथ भारत के रिलेशन बहुत पहले से हैं और ये तभी से हैं जब वहाँ पर सेना का शासन यानी कि मार्शल लॉ था। म्यांमार को भारत की ज़रूरत हमेशा रहती है और म्यांमार भी भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में हुए तख्तापलट पर चिंता जताई है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर संज्ञान भी लिया है। हालांकि भारत ने म्यांमार में हुए इस तरह के सत्ता परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर की है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर संज्ञान भी लिया है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में ही रहा है। भारत का मानना है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार होनी चाहिए और वहाँ पर कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए और इसी वजह से भारत ने वहाँ के पूरे हालात पर अपनी नज़र बनाई हुई है। अब हम बात करेंगे आन सान सू की पे कि वो कौन है। लोकप्रिय नेता आन सान सू की म्यांमार को आज़ादी दिलाने वाले जनरल आन सान की बेटी हैं। 1948 में म्यांमार ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ और उससे पहले ही उनके पिता की हत्या कर दी गई थी।
दुनिया भर में मानवाधिकारों के पक्ष में लड़ने वाली नेता के रूप में आन सान सू की प्रसिद्ध है। आन सान सू की का रिलेशन भारत से भी है। भारत में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने 1964 में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। जब वो नज़रबंद थी 1991 में उस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार उनको दिया गया था। 1989 से 2010 तक लगभग 21 साल की नज़रबंदी में वो रह चुकी हैं। वर्ष 2015 नवंबर में आन सान सू की के नेतृत्व में उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता और ये म्यांमार के इतिहास में इवन 25 सालों के इतिहास में पहला चुनाव था जिसमें इतने लोगों ने वोट दिया। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, आन सान सू की से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वर्ष 2000 में नजरबंदी के दौरान ही आन सान सू की को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथन दो, लोकप्रिय नेता आन सान सू की म्यांमार को आजादी दिलाने वाले जनरल आंग सान की बेटी हैं। उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए, केवल एक। विकल्प बी, केवल दो। विकल्प सी, एक और दो दोनों। विकल्प डी, ना एक ना ही दो। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए अब देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है उत्तर डी, यानी कि WHO का हेडक्वार्टर लंदन में नहीं जिनेवा में है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.